बिल्कुल शांत हो जाता है, तब निकलता है वो। तो जी पक्की पटरी में ब्यास दर्शन हो गया। तो भाई हेड ऑन बहुत ही क्लोज है, लेकिन बहुत क्लोज। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ काफ़ी सही हूँ। तो हम आए पीलीभीत टाइगर रिजर्व और ये हमारी मॉर्निंग की सफारी है, सुबह की सफारी है। और पहले मौसम दिखाते हैं, और उजाला तक नहीं हुआ है और हम जा रहे हैं सफारी करने। तो ये देखिए अभी सूर्य की रोशनी तक नहीं पड़ी है। और अपने साथ है रवि भाई और हमारे नमस्कार जी, काफ़ी पुराने हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लम्हा बनाया सर के साथ। और अपने सोएब सर, गुड मॉर्निंग जी। तो चलते हैं फिर, चलो। वो तो सही है कि कोहरा नहीं है पीलीभीत में, मौसम साफ है आज। बाकी कल तो काफी था। हाँ, यहाँ तो अक्सर रोज ही रहते अदरवाइज। ये पहुंच गए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मेन एंट्री गेट में। ये है वो, एक गाड़ी वहां गई है रिजॉर्ट पे। अच्छा, एक छुपा गए होंगे। हाँ, निकलता है यार द फर्स्ट वन। उतरेंगे ना हम तो उतरेंगे पास वहाँ पे तभी दिखाई। ये तो कुछ नहीं दिख रहा जी, अभी उजाला लग जाएगा। ये डियर है पहले पास में है। और ये वाइल्ड बोर है, ये अंधेरे में साइटिंग है। तो जी अभी हम आ गए हैं कच्ची पटरी में, और साइड में देखिए शारदा कैनाल का समझौता हुआ है, जिससे कि हम और कौन सा आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कैमरे से अभी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो अभी यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मेल टाइगर कौन सा है? वैसे तो ये बरही वाला भी अच्छा साइज है जो कल आपने देखा था। हाँ हाँ। और बाकी एस2, ये दो ही हैं। एस2 सुल्तान। हाँ जी। अच्छा, बाकी रॉकेट तो अभी इतना नहीं है साइज उसका, अभी छोटा है इससे। तो रॉकेट भी हैवी हो रहा है वैसे। हाँ, हैवी हो रहा है अच्छा खासा, पहले से बहुत अंतर है अभी। और इस कच्ची पटरी में ज्यादा कौन दिखता है? मेल। हाँ, मेल। और यही कल वाला बराही, बराही वाला तो वो उसी साइड रहता है, ये मोड़ है। अच्छा अच्छा, तो उसके साइड। इस साइड में आपने वो जिसके पाँव में दिक्कत है, लकड़ा वाला, वो भी इसी साइड में रहता है। वो रोड जो मेन रोड है तो क्रॉस करके उस साइड भी चला जाता है। अच्छा। हाँ, और एक फीमेल है जिसे ये तो हल्का सा कान कटा हुआ है, जैसे उधर कनकटी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो कभी आपस में लड़ाई हुई है मेल टाइगर की? अभी तो मेल की लड़ाई नहीं हुई आपस में। अच्छा। दरअसल ये है कि यहाँ पर एरिया इस साइड के लिए जैसे ज़्यादा होता है ना चलने के लिए, पानी पीने के लिए आता थोड़ा बहुत चलता है, फिर नीचे साइड चला जाता है। हाँ। और खाने के लिए भी यहाँ कमी नहीं है उसके लिए। हाँ। तो ये भी नहीं कि फाइट आपस में करें। तो आमने सामने भी नहीं आए होंगे कभी? आमने सामने फिलहाल अभी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। आमने सामने होगा तो गर्मा गर्मी तो होगी, थोड़ा बहुत तो होगा ही। ये कि खाने की कमी ना होने से तो टाइगर एरिया में भी एडजस्ट कर लेते हैं। राइट राइट राइट। पीछे घुसड़ गया है ना, पीछे घुसड़ गया। चंद्रता उधर नहीं आना ऐसा ही चीज है। स्केच मार्किंग करें भाई। चल यहाँ पर थोड़ा नए ना बाई चांस निकल पड़े इसके साथ ही फिर दो आ गए पीछे, बता क्या करना। आने दे उनसे पता कर ले जाएंगे, ज्यादा भीड़ है सुबह आज कहाँ होंगे, एकदम लग रहा है कि जाएगा। यहाँ पे टाइग्रेस नैना है, नैना और उसके चार कप्स नहीं दो और थे उसका। हाँ चार थे, चार तो थे, देखे गए थे स्टार्टिंग में बहुत जब अच्छा वो छोटे थे। अच्छा उसके बाद से दो ही देखे जा रहे हैं। हाँ। जो हमने वो उसी कैनाल पे देखे। हाँ। उस समय से वो दो ही दिख रहे हैं। ये देखिए ये कौन आए हैं सरप्राइज। मेरा छोटा भाई है। अच्छा इधर पता नहीं हमारे कि सडनली बना रहे। ये तो हमेशा ही बिल्कुल जंगल शांत हो जाए लेकिन पंजे मिलते ना वहाँ। हाँ गर्मी में थोड़ा चांस है जब आप जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है तब निकलता है वो। तो जी प्लान बन रहा है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस जगह पे उतर सकते हैं और बाकी यह है बारा सिंगा ताल, जो आपको बताया था कि इस पर जब एक बार ओवरलोड हो गया था और ये वॉच टावर टूट गया था, और उसके बाद इस वॉच टावर में नोटिस है कि 4 लोगों से ज़्यादा नहीं चढ़ सकते हैं। तो जी पट की पटरी में भी आज दर्शन हो ही गया। एक मिनट ले लो हेड ऑन, आगे चल लो। तो भाई दर्शन तो हो गए और टाइगर अभी नीचे की तरफ गया है। बस यही बंद कर लियो, पास में ही है, बंद कर लियो यहीं। तैर के तो नहीं गया हो तो यार, इसमें टहर के जा रहा है आगे से कहीं से शॉट आएगा तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से चलो सामने बस थोड़ा और आगे आगे लो, रोक 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 बस बस हो टहर के जा रहा भाई उस साइड बस बस हो। पास वसूल लो। यहाँ से मिलेगा 100 रुपए से। पानी पार कर रहे हैं और हम उससे जा रहे हैं। पानी वाला मुझे अभी भी हमें बैक साइड ही मिली है, लेकिन हम क्रॉस करके जा रहे हैं उस साइड और होप सो अभी हमें हेड ऑन मिलने के पूरे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि थोड़ा लंबा ही चलेगा वो। और देखिए इतने ठंडे में भी टाइगर क्रॉस करता है पानी, वो हमने देख लिया भाई आज। चलेगा अभी 1 मिनट चला जाएगा नीचे। तो जी फाइनली हेड ऑन अभी रहेगा। हेड ऑन आते हुए भाई गाड़ी बढ़ाओ। तो भाई हेड ऑन बहुत ही क्लोज है, लेकिन बहुत क्लोज। यार गाड़ी बढ़ाई नहीं आप लोगों ने, यार गाड़ी बढ़ाई नहीं। अरे पीछे पर बढ़ा यार, चिपका पीछे बढ़ा यार, गाड़ी बढ़ाते नहीं यार, बढ़ाते रहो सब। I think the closest I've seen it coming. इतना close भाई क्या ही चले गए तो हम लोग इतना। गाड़ी बढ़ाओ। ठीक है हेलो खाली वीडियो लो यार। ये पीछे गैप बनाओगे ना, पीछे गैप बहुत बड़ा हो गया, पीछे गैप बहुत बड़ा हो गया। बस रुको 1 सेकंड रुको। तो जी कंटिन्यू हेड ऑन चल रहा है। वाह गाड़ी बढ़ाओ डिस्टेंस को रखो और गाड़ी बढ़ाओ भाई, गाड़ी बढ़ाओ। बस थोड़ा रुको 2 सेकंड। जो सब फर्स्ट वाला है ना हमेशा ये देखिए सीन। अरे भाई वो फोटो खींच रहे यार बढ़िया करके। अब यहाँ से जी सर बता दिया था बाद में। तो ये वही मेल टाइगर हैं जो कल हमें बैक ऑन से दिखा था, लेकिन आज फाइनली हेड ऑन देखने को मिला। बराही साइड का काफ़ी हैवी है, लेकिन बहुत हैवी। तो ये सुल्तान और उसके बाद का होगा, थर्ड नंबर का मेल है, स्ट्रॉन्ग। One of the best sighting ever. है? One of the best sighting ever I had. Such a long time. बहुत अच्छा था। तराई में वो भी। Amazing, amazing. लेकिन भाई साहब टाइगर की सभ्यता देखी, मतलब हम असभ्य थे उसमें। अगर देखा जाए तो हम असभ्य हैं। आप क्या था, बिल्कुल पीछे था ना इतना, बहुत पास में था भाई साहब। तो इससे ये साफ पता चलता है कि टाइगर को खाली लोग बदनाम करते हैं। ही इज वेरी जेंटलमैन। टाइगर जेंटलमैन है। और पता है जो नीचे जाके बैठ गया था वो एक्चुअली कार के मूव होने की राह देख रहा था। वो देखिए हम ही लोग मतलब सब थे, खैर फोटोग्राफर भी मतलब कहीं ना कहीं अपनी अच्छे थे और अपना अपना हर कोई सोचता है, लेकिन तब भी टाइगर ने सबको मौका भी दिया। बार बार जाके हेड ऑन भी देखने को मिला। अमेजिंग। तो शॉट कैसे मिले आपको? अमेजिंग। मेमोरी कार्ड फुल हो गया। मेमोरी कार्ड फुल हो चुके हैं। उसने काम डाल दिया, आप जो मर्जी आप करो। तो जिस साइटिंग तो हो गई है, और आज भी हमें साइटिंग हुई है कच्ची पटरी में, और कल भी हुई थी कच्ची पटरी में। तो बहुत अमेजिंग साइटिंग थी, हैं सोएब जी? बेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अमेजिंग थी। टाइगर बिल्कुल हेड ऑन था, और हमारे कार के जिप्सी के तो सिर्फ 2 या 3 मीटर दूर होगा, 3 या 4 मीटर, ज़्यादा नहीं होगा। वेरी नाइस शॉट्स एंड इट वॉज अमेजिंग। और वेरी जेंटल टाइगर, वेरी मैसिव टाइगर, वेरी मैसिव, वेरी बोल्ड एंड मैसिव। तो बहुत अमेजिंग साइटिंग रही। तो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो रवि कितने साल का होगा ये मेल टाइगर? ये होगा कम से कम 6 से ऊपर का, 6 से ऊपर ना। हाँ मतलब फुल एडल्ट, प्राइम है, प्राइम। तो ये कैनाल पार करके पहले अपनी टेरिटरी भी मार्किंग करने गया होगा। हाँ, फिर उसने बैक मार दिया, फिर बैक मारा। हाँ। फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू करी अपनी वॉक। अमेजिंग। तो जी क्या रहा फिर आपका आज की साइडिंग, बताइए? बहुत बढ़िया। अभी तो और एकदम से प्लान बन गया आपका है? हाँ, सडनली बना हमारा तो, रात को 10 बजे। मुझे भी नहीं पता चला, मेरी सिस्टर आ रही है करके, लेकिन फाइनली इनको भी बहुत अच्छी साइटिंग हो चुकी है। शिव के सीनियर थे ना कॉलेज में। कौन? अच्छा, हमारे जीजू भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अमेजिंग साइटिंग है। हाँ। बहुत ही बढ़िया, क्या वॉक किया है, मजा ही आ गया। असली रैम्प वॉक है ना वो यहाँ का। हाँ, वो सबसे बड़ा टाइगर है। तो अभी ये भी पता चला कि अभी बाराही मेल जो टाइगर हमने देखा वही सबसे बड़ा है और प्राइम टाइगर है। और हम तो दीपांकर जी को सरप्राइज देना चाह रहे थे, इसलिए हमने, क्योंकि हमारा सडन प्रोग्राम और हमने आपको सरप्राइज दे दिया। सडनली आए, टाइगर की साइटिंग दिखा के जैसे मैं दिखी हूँ, लग चमक गया भाई का। फीमेल होती है, वो चार्ज कर देती है 100%। वो तो चार्ज कर रही है, सब पे चार्ज कर रही है। वो बता तो रहते कि मॉक चार्ज कर रही है वो। अभी पीछे मॉक चार्ज किया उसने। तो ये मतलब सबसे बड़ा टाइगर है यहाँ का। Yes. अभी आज के डेट एज पर माय नॉलेज, एज पर योर नॉलेज। तो सर आते रहते हैं, सर से हम थोड़ा सा मिलाते हैं। सर का गुड नेम? निखिल जी। आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, रेगुलर टू पीलीभीत। बेस्ट जंगल इन तराई। आई लव द लैंडस्केप। कच्ची और पक्की का गेम है। सब गेम उसी पे है यहाँ पर। और सोएब जी Your first time in Pilibhit? Yes, first time. It was amazing sighting. Probably our best tiger sighting in this trip. Tiger sighting तो best है, लेकिन आपको landscape और कैसा लगा? Landscape काफी अच्छा है. Very good. काफी अच्छा. और जो tiger was very massive. Very good tiger. Thank you. बच्चों को अंदर साइड छोड़ के आती है वो पक्की पटरी पे आ जाती है. अच्छा आ जाती है. लेकिन बच्चों को बहुत कम लाती है. तो बाराही वाला मतलब कई बार चाहता होगा मीटिंग करना. जाता है बाराही वाला, बहुत चाह रहा है. हाँ, अब लेकिन जब तक बच्चे हैं तो वो नहीं. तो और मेल टाइगर भी एक्टिव है वहाँ पे. S2 है इस टाइम. S2 जिसने वो शिकार को वो ले लिया था अपने साइड. ये लगभग सारे कलर में क्या थोड़ा सा कलर थोड़ा उसका डार्क ज़्यादा है. डार्क ज़्यादा है. हाँ, उसका डार्क ज़्यादा है. ब्रिज फाउंडेशन और ये है चंद्रताल. तो यहाँ पे कुछ स्टॉक है वुली नेक. हमारे ओम प्रकाश भाई जी भी तो जबरन रही है सेटिंग. बढ़िया रहा, सभी लोगों का अच्छा हो गया. आज सभी का अच्छा होगा, जितने गेस्ट थे सबका अच्छा हो गया. और ये अभी हमारा जंगल ऐसा सर किसी को निराश नहीं करता. निराश नहीं है, ब्यूटीफुल भी है ना. मतलब टाइगर ना भी दिखे तो जंगल अच्छा है सर, एक मेमोरी बन के जाती है एक. हाँ, तो बाकी जितने लोग देख रहे हैं मैं कहूँगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जरूर आए अगर नहीं आए अभी तक. तो आनंद नहीं ले पाएंगे. मतलब सब जगह जाते हैं, एक बार ट्राई कीजिए यहाँ. तो आज भी जो हमें टाइगर की बहुत अच्छी लंबी सेटिंग हुई थी, तो कॉल उसमें आप लोगों ने कमी सुनी होगी या थी नहीं, मतलब किसी जानवर की. हाँ, तो एकदम काफ़ी साइलेंटली टाइगर की मूवमेंट थी वो. तो मेल टाइगर का रवि भाई कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे? लगभग 10 से 12 किलोमीटर का. बल्कि थोड़ा कम ही हो गया होगा. छोटे एरिया में भी देख रहे हैं कि 2-3 मेल टाइगर एडजस्ट कर रहे हैं. तो बस खाने और पानी के ऊपर. हाँ, नहर है तो कर रहे हैं. जी अभी हमारी एग्जिट भी हो गई है जस्ट सामने. तो जी आज की सफ़ारी होती है कंप्लीट और बताना आप लोगों को कैसी रही आज की सफ़ारी. और बाद में अपने साथ है रवि भाई. तो बहुत अमेजिंग सफ़ारी रही, धन्यवाद. आइए फिर साकिब जी, मज़ा आ गया फिर. तो बहुत अच्छी अभी तक आप सबके साथ मेमोरी रही है और आगे भी रहेगी. तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा. तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेफ एनिमल. तो जी हमने स्टे किया था प्रिंस गेस्ट हाउस में और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस था. और बाकी सोएब जी हैं, तो सोएब जी को अब लेके जा रहा हूँ. और फाइनली इनकी ट्रिप भी यहाँ पे हमारे साथ समाप्ति की तरफ है. तो सोएब जी थोड़ा सा अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड कैसा रहा? अमेजिंग ट्रिप, बोथ कॉर्बेट और यहाँ पे पीलीभीत वाज अमेजिंग. स्टार्टिंग वाज अमेजिंग और आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा था एंड इट वाज रियली फन. ओके, दोबारा जल्दी में आऊँगा and we'll wait sir. thank you very much. thank you. और आपकी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब एकदम फैमिलियर एज अ फ्रेंड. मतलब काफ़ी चीज़ें आपसे भी लर्निंग ली मैंने और लेते भी रहेंगे. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.